हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं रानीखेत की ओर। तो मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मनीष गया है बाहर किसी से रास्ता पता करने के लिए, क्योंकि गूगल मैप्स तो दिखा रहा है, फिर भी एक बार कंफर्म कर ले तो अच्छा होगा। तो आगे दिखाते हैं आपको वीडियो, रास्ता कैसा है और कैसा है रानीखेत। तो मनीष जो रास्ता पता करने गए थे, तो भैया जी ने हम लोग को एक शॉर्टकट रूट बताया। तो पहले 90 किलोमीटर्स दिखा रहा था गूगल, लेकिन अभी एक शॉर्टकट से जा रहे हैं जो कि अभी दिखा रहा है 77 किलोमीटर, मुक्तेश्वर धाम के पास ही सितला गांव की तरफ एक रास्ता कटती है, तो वहां से होके हम लोग अभी जाएंगे। बाप रे, क्या आतंक मचाए हुए हैं। तो 9 किलोमीटर तक थोड़ी सी खराब रोड्स है और उसके बाद हम लोग को हाईवे मिल जाएगी, पहाड़ों वाला हाईवे पहाड़ों वाला हाईवे। ये थोड़ी सी नैरो है और थोड़ी सी खराब है, गड्ढे वड्ढे हैं। लेकिन अच्छी है ना, सीनिक ब्यूटी है, हाँ बहुत ही वाइल्ड लाइफ नेचुरल। के अंदर से जा रहे हो। हाँ वाइल्ड लाइफ के अंदर कितना ब्लू स्काई दिख रहा है। आप लोग को ऑफ रोडिंग दिखा रहा हूँ जंगल के रास्ते। वो भी जंगल कहाँ, हम लोग कम से कम कितना 2,500 फुट के ऊपर हैं। और पीछे साइड नंदा देवी पर्वत दिखता है और यह पूरा राइट साइड अभी जो चल रहे हैं दिखाते रहेंगे। और ये जो जंगल है यहाँ पर लेपर्ड्स, मंकीज तो बहुत सारे हैं, लंगूर ब्लैक फेस, और उसके अलावा भी बहुत से और जानवर हैं। वो बोलते हैं कि ये लेपर्ड जो है मैन ईटर नहीं है, बट आई विश कि दिख जाए यहाँ पर। और रोड्स आप देखिए कैसी पगडंडी टाइप की रोड है, लेकिन हमारी महिंद्रा 1 BHK जो है सारे पड़ाव पार करती जा रही है, एंड टचुड दैट्स व्हाई आई लव माय टचुड। महिंद्रा। बहुत सुंदर है, नो वर्ड्स। यस, ठंड भी मस्त है और क्या नज़ारे हैं भाई साहब, क्या नज़ारे हैं। बहुत स्विट्जरलैंड तो फेल है। स्विट्ज़रलैंड फेल है, ये तो मैं मानूंगा। अपने इंडिया में ही इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, लोग बेकार में बाहर जाते हैं। तो हमने 9 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया जो सीतला गांव के थ्रू जाता है। बहुत ही सीनिक रोड है, मतलब लगेगा आप जंगल के अंदर से जा रहे हैं। थोड़ी सी नैरो है बट यू कैन सी द व्यू ऑन द वे। तो अगर कोई रानीखेत या अल्मोरा जा रहा है मुक्तेश्वर से, सो दिस इज़ वन शॉर्ट रूट दैट यू कैन टेक। और एंट्री चेक पोस्ट था जहाँ पर हमने अपनी सारी डिटेल दी थी और पीछे ही एग्जिट था। तो अभी हम लोग का ये सीनिक ब्यूटी ख़त्म हो गया है। बट आगे भी और है, तो अभी हम लोग आगे हाईवे पकड़ेंगे रानीखेत के लिए और फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं कैसा है रोड। हम लोग को अच्छी वाली रोड मिल गई है, ये रानीखेत की ओर जा रही है। तो अभी मस्त रोड है और सीनिक ब्यूटी हर जगह सेम है, बहुत सुंदर है। यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिल रहे हैं और इस रोड में भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बुकिंग करते समय देखा था। तो वो सब रिजॉर्ट्स मतलब थोड़ा दूर दूर है, मुक्तेश्वर से कम 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है।
लोग यहाँ भी रहते हैं और आगे जाके मुक्तेश्वर मंदिर और धाम की दर्शन करते हैं, तो आप लोग यहाँ भी रह सकते हैं। यहाँ से भी व्यू अच्छा है, पहाड़ों वाला व्यू बहुत ही औसम है और आप देख सकते हैं रोड्स, देखिए मस्त प्लेन स्मूथ राइड है और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो आगे। ये देखिए ये पहाड़ी नींबू, इतने सारे लगे हुए हैं। भूख लग गई तो मैं कुरकुरे खा रही हूँ और नज़ारे एंजॉय कर रही हूँ। क्या मस्त नज़ारा। काश हमारा भी एक हॉलिडे होम यहाँ होता है ना, यहीं से काम था। लैंड फॉर प्लान करना पड़ेगा। इस समय हम लोग कहीं रानीखेत के रास्ते में रुके हुए हैं। व्यू बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हो ये पहाड़। पल्लवी मजा आ रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग रुक के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अभी रानी झील जा रहे हैं। रास्ते में सोचा लो के एम वी एन से बात कर लें, जो हम लोग वहाँ मुक्तेश्वर में भी रुके थे तो उन्होंने नंबर दिया था यहाँ का, तो उन्होंने कहा हाँ रूम अवेलेबल हैं। तो हमने कहा बॉनफायर करा दीजिए, बॉनफायर करा देंगे तो हैं जी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है आके बात करते हैं। तो पल्लवी हमसे बाद में कहती है कि बॉनफायर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो आपको ये कहना चाहिए आग लगा सकते हैं। तो हमने कहा सर केवीएन में आग लगा सकते हैं, तो ये बोलेंगे तो आप उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप बताओ किसकी। पल्लवी भी कभी कभी ना रास्ते का लुफ्त दे देती है मज़ेदार किलकारियाँ डाल के। तो रानी झील के लिए जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरा कुमाऊँ रेजिमेंट मिलिट्री बेस के अंदर से होते हुए है, बहुत ही सुंदर से रखा है, साफ सुथरा। ये देखिए रानी झील, यही है रानी झील, छोटा सा है। बोटिंग वोटिंग हो रही है, आप कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। अभी हम लोग चौबाटिया गार्डन्स जा रहे हैं और रास्ते में झूला देवी मंदिर भी दिखा था, लेकिन वो आके दर्शन करेंगे, पहले गार्डन्स होके आ जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं चौबाटिया गार्डन जाने के लिए। एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पतझड़ चल रही है तो एप्पल्स वगैरह तो दिखेंगे नहीं, बट लेट्स ट्राई आवर लक, पूछते हैं जाके आगे। तो अभी फ्रूट्स नहीं दिखेंगे, छोड़ो फिर छोड़ो। हाँ जब एप्पल ही नहीं है तो बाकी बहुत सी चीज़ें सर, करंट वाले प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, वैराइटीज हैं। जब एप्पल ही नहीं है तो अंदर जाके क्या देखेंगे, तो हमने ड्रॉप कर दिया आइडिया। तो अभी फिर वापस जा रहे हैं, झूला देवी मंदिर का दर्शन करेंगे।
दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। झूला देवी मंदिर का मान्यता ये है कि अगर आप आते हो और कुछ विश करते हो और आपकी विश अगर पूरी होती है तो आप आके यहाँ पे फिर से एक बार दोबारा आके एक बेल टाई करके जाते हो, तो इसीलिए बहुत सारे बेल्स यहाँ पे टाई किए हुए हैं। तो बहुत जागृत है, तो बहुतों के विशेस पूरे हुए हैं, मैंने भी कुछ मांगा है, देखते हैं कि पूरा होता है कि नहीं। सनसेट हो रहा है, पहाड़ों में सनसेट काफी सुंदर नजारा है। उतार दो, आज सैटरडे है ना तो गाड़ी होगी। तो ये है हम लोग का रूम, घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में बाथरूम है, क्लीन है, प्रिटी क्लीन, और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है एक छोटा सा, और आगे जाके ये है रूम। और ये वाला जो होटल है KVMN का चिलियानावला टाउन है, वहाँ का ये रेस्ट हाउस है। तो रानीखेत अगर आएंगे तो यहाँ पे तीन है आसपास, तो एक रानीखेत मॉल रोड के पास है, और एक झूला देवी मंदिर के पास है, और ये वाला है चिलियानावला, जहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो हमने ये बुक किया है, खाना ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा एक घंटे में, और हम लोग अभी खा के सो जाएंगे। और इस रूम का प्राइस है 2400 में, और हम लोग को अभी इन्होंने ब्लोअर दिया है और एक कैटल देंगे, क्योंकि ठंडा पानी ही नहीं पी सकते, बहुत ठंडा है। सो गाइज, यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी अच्छा है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट में वो जियो डोंगल का स्पीड है, प्रीटी गुड, मतलब काम तो आपका अगर वर्क फ्रॉम होम आप करना चाह रहे हैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन, तो आप कर सकते हो। और एयरटेल का लेकिन काफ़ी अच्छा है, मोबाइल में तो बहुत ही अच्छा स्पीड आ रहा है, आपको दिखाते हैं। और आप ये देख सकते हो 37.85 Mbps, कॉल, स्काइप, व्हाट्सएप, एवरीथिंग यू कैन डू, मतलब एयरटेल भैया माउंटेन्स में 37.85 Mbps दे रहा है, रैली में भी नहीं आता है इतना, तो मेरा BSNL का वाईफाई भी नहीं देता है। अगर यहाँ रानीखेत में ऐसा है और एयरटेल इतनी अच्छी स्पीड दे रहा है, आप लोग प्लान बनाइए, रानीखेत आइए और अपना यहाँ पर मस्त व्यू के साथ इंजॉय भी कीजिए, काम भी कीजिए। और वैसे बर्फ़ पड़ने वाली है जनवरी में, यहाँ पर बर्फ पड़ती है, यू कैन प्लान योर ट्रिप्स। हमारा डिनर आ गया है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है फ्राइड चिकन, ये है चिली चिकन और एक फ्राइड राइस। तो इस व्यू के साथ हम लोग जगे हैं और आपको दिखाते हैं, ये देखिए बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स, हिमालयन रेंज, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत, इस तरफ भी छोटी छोटी बद्रीनाथ केदारनाथ वाले पर्वत भी दिख रहा है। क्या व्यू है, मतलब ब्यूटी सही में। अभी बाहर चलते हैं, बाहर चाय वाय मंगाया है, तो चलिए बाहर जाके चाय पीते हैं। मॉर्निंग प्रेयर्स सुनाई पड़ रहा है, बहुत डिवाइन फीलिंग है और मतलब एक फ्रेशनेस आती है ना। सनराइज हो गया है, ये है हम लोग का कमरा, आगे का नज़ारा उफ, अनमैच्ड ब्यूटी, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह 7 बज रहे, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो है वो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला माउंटेन है वहाँ पे, और इस तरफ नंदा देवी और त्रिशूल इस तरफ है, तो बहुत सुंदर है। और हम लोग का चाय भी आ गया, अभी चाय पीते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
अनुलोम विलोम फ्रेश एयर हमने तो यही से बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लिए पर्वत के। तो आप लोग अगर गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गए होंगे तो हमारे वीडियो के ज़रिए ही दर्शन कर लीजिए बद्रीनाथ केदारनाथ की पर्वत। वहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है हम लोग की आँखों से, कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन उसी जगह पे है। चलिए चलते हैं अभी रूम की तरफ, फटाफट तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। What do you want, Mister? Ticket, yes, it's for you. खुलो, yes. A special friend from Ranikhet. यहाँ से चेकआउट करते हैं, तो चलिए नीचे चलते हैं फिर। नमस्कार, मैं कुमा मंडल विकास निगम के चिलियानवाला के पर्यटक आवास गृह से बोल रहा हूँ। और ये जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, रानीखेत से 4 किलोमीटर हेड़ा खान मंदिर के सामने इसकी दूरी है 4 किलोमीटर। और व्यू हमारे रेस्ट हाउस से पूरा व्यू दिखता है और इसकी ऊंचाई है 1829 मीटर्स। और अच्छा स्पॉट है। मेरा सभी से निवेदन है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो आए, प्लीज़ हमको अपनी सेवा का मौका दें। और ये आजकल जाड़ों की क्या कहते हैं, गुनगुनी धूप का मजा लें। मैं कैलाश चंद आर्या, पर्यटास गांव चिलियानोला, कुमा मंडल विकास निगम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष गया है यहाँ का लोकल दाल लेने। यहाँ पर भट्ट की दाल और दूसरा क्या था, ये बहत की दाल और रैस और बड़ा भट्ट। ये सब हम लोग यहाँ से रानीखेत से लेके जा रहे हैं, भैया ने हमें दिया, थैंक यू भैया। सो निकल गए हैं हम लोग, दाल ले लिया है, भट्ट की दाल और रस और एक ची और एक वाली दाल थी। तो घर में YouTube देख के बनाएंगे ऑथेंटिक कुमाऊनी दालें। और ये देखिए व्यूज़, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आगे हिमालय का व्यू जो हम लोग को होटल से दिखा था, यहाँ और ज़्यादा क्लियर दिख रही है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। क्या मस्त और शानदार जगह है, ऐसा लग रहा है कि मतलब जिंदगी यहीं काट दो। क्या मस्त नज़ारे। ब्यूटी देखिए, एकदम फ्रेश एयर, पोल्यूशन ही नहीं है। फोटोज ना, मतलब सिटी में जो फोटो खींचते हैं उसका क्लियरिटी और यहाँ पे जो फोटो खींचते हैं इसका क्लियरिटी बहुत ही डिफरेंट है। अभी हम लोग रानीखेत से निकलकर भतरोज खान होते हुए रामनगर निकलेंगे। और रास्ता अच्छा है, थोड़ा सा पैची है लेकिन चलेगा टाइप्स, लेकिन सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। भजरोत खान का मार्केट एरिया, तुम्हारे गाल ना टमाटर जैसे लाल हो गए। ठंडक में ना खूब 1 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे लाल। हम लोग यहाँ पे लंच के लिए उतरे हैं, 12 बज रहा है, तो गर्मा गर्म रोटी और ये दाल है, ये मिक्स वेज और ये भांग की चटनी है, भांग की दाने की चटनी। अच्छा है आपका।
पहाड़ी नमक लिया हमने अभी चटनी और रायते वगैरह में डालने के लिए। थैंक यू भैया। आफ्टर अ नाइस लंच अभी हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ गए हैं, आगे जा रहे हैं और जहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके थे वहीं पे हम लोग को एक कर्नाटका की गाड़ी रुकी हुई थी, तो वो भैया ने हम लोग से पूछा आप बैंगलोर से हो क्या, फिर वो भी बैंगलोर से थे, वो बद्रीनाथ गए थे, बैंगलोर से चला के आए थे, तो अभी वापस जा रहे होंगे, तो उनसे मिला तो एक एक अपनापन आता है ना कि हाँ कर्नाटका की गाड़ी दिख गई कर्नाटका के लोग, तो अच्छा लगा मिलके उनसे। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। रोड जो है बीच बीच में बहुत ख़राब है और काफ़ी नैरो है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, धीरे चलिएगा क्योंकि रोड भी ख़राब है और काफ़ी नैरो है, काफ़ी नैरो है। लेकिन ये मतलब अब रामनगर के साइड में ज़्यादा नैरो है, अभी हाँ। तक जितना आए उतना सही था, तो इधर नैरो हो गया है थोड़ा। और दूसरी चीज़ एक है कि आप ये चीज़ जो है पोर्शन ये इतना, तो आप क्या है जब भी आप एकदम से टर्न लेते हैं या अंधा मोड़ आता है और सडन, सो यू नीड टू इंश्योर दैट प्रॉपर लेफ्ट देखिए, इधर से देखिए, कि क्या होता है ना कभी कभी अंधी में इसके पीछे गाड़ी आ जाती है, ऐसा एंगल बनता है कि इसके पीछे गाड़ी आ जाती है एंड यू डोंट सी एनीथिंग और सडनली एकदम से गाड़ी आ गई फिर सामने। सो आई नो महिंद्रा क्या मतलब किसी भी गाड़ी में ऐसा होगा, so just be careful while driving on mountains. Landslide hua kya? Baap re, dangerous road hai रानीखेत से रामनगर वाला, और रास्ता भी खराब है, बीच बीच में पथरीला है। नहीं डेंजरस नहीं है लेकिन सक्रिय है थोड़ा सा, ये क्या बजरौत खाना उसके आगे से थोड़ी सक्रिय है, पतला रास्ता है, नैरो है, तो थोड़ा सा पास देने के लिए यू फाइंड अ प्लेस वेयर यू स्टॉप योर कार और तो स्लो कर लो ताकि वहां से निकल जाए आराम से। नैनीताल से भी एक रास्ता था रामनगर जाने के लिए जो कि नीचे से एक वन आवर एक्स्ट्रा लगा था, मतलब दिखा रहा था, तो शायद वो अच्छी रूट थी, बट वी चूज दिस रूट, बट ये थोड़ी सी नैरो और क्या बोलते हैं सीनिक थी, सीनिक है, सीनिक बहुत ही सीनिक है, बट नैरो है रोड और ख़राब है काफ़ी बीच बीच में। तो मैं तो कहूँगा जो लोग रामनगर में रुके हैं या कहीं कॉर्बेट या कहीं बडिकाला में उन्होंने किया है एक दिन का सफारी या सफारी में कभी भी किया है, उसके बाद वो एक एक ट्रिप मार सकते हैं रानीखेत का, बहुत ही अच्छा व्यू है, हिमालयन रेंज दिख जाएगा उनको, उसके लिए पूरा उधर मुक्तेश्वर तक जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, इवन यू कैन सी केदारनाथ रेंज एज वेल, केदारनाथ वाले पहाड़ भी दिखते हैं। ये तो वाटरफॉल है, बीस रास्ते के बीच से पानी जा रहा है, ये छोटा सा झरना था और पानी जो इसकी बह के रास्ते के बीच से जा रही है, तो ये था सोराल, सोराल में ही तो छोटी सी झरना थी, ये टोटम के आगे पड़ता है, टोटम के आगे, और चाय पकौड़ा मैगी ये सब मिल रहा था, तो अच्छी प्लेस है फॉर अ पिट स्टॉप। सो फाइनली आफ्टर अ रोलर कोस्टर राइड हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेन्स पे, है ना, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड जस्ट फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच, नहीं मतलब रास्ता खराब था एक तो, और नैरो रोड थी, तो बहुत मतलब यू नो डेंजरस भी थी,
तो सावधान, अगर आप आते हैं इस रूट पे, रानीखेत और रामनगर वाले रूट पे, तो केवल वो उसके शहर के बाद भजरोज खान, हाँ भजरोज खान के शहर के बाद रोड काफ़ी ख़राब है, इट्स लाइक 40 किलोमीटर्स रोड्स काफ़ी ख़राब है। तो चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, प्लेन्स पे पहुंच गए हैं, तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो, तो वो जल्दी आ जाएगा। चलिए, स्टे सेफ एंड बाय बाय बाय।